अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में आपको स्लीव की परफेक्ट कटिंग बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हमें अपने स्लीव के लिए कपड़ा चाहिए। ये मैंने दो पीस ले लिए हैं स्लीव्स के, और ये डबल फोल्ड है, ठीक है। यानी कि इस तरह फोल्ड करके ये, और ये हम उल्टी साइड पर इसके अंदर निशान लगाने। ये फोर फोल्ड हमारा कपड़ा है और हमने इसके ऊपर निशान लगाने हैं। अब स्लीव के लिए हमें जितने हमारे मैक्सिमम तैयार हैं स्लीव्स, यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ है तकरीबन 19.5। अगर आपको 18 इस स्लीव्स तैयार चाहिए तो 1.5 इंच आप बढ़ा लें, उसमें 19.5 हो जाएंगे। अगर 20 आपको चाहिए तो 21.5 आप कर लें, ठीक है। 9 इंच हमें आर्म होल चाहिए। 9 इंच आर्म होल रख के हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, और 3 इंच हमने यहाँ से निशान लगा लेना। और आगे आप जिस तरह अपने स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करना चाहें, अगर आप बेल रखना चाहें तो इसका आगे से ज़्यादा रख लें, अगर फिटिंग वाले आप रखना चाह रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम जो होगी चौड़ाई वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। और अब हम आगे से इसकी जो है फिटिंग के निशान लगाने हैं हमने। अगर आप आर्म ये अगर आप स्लीव सिंपल रखना चाह रहे हैं तो 6 इंच की इसकी कटिंग कर लें, ठीक है। 6 इंच कटिंग में कर लें। अगर आप बेल वगैरह चाह रहे हैं तो आप 8 भी रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप अपने जो डिज़ाइनिंग करनी है उसके हिसाब से आप स्लीव की फिटिंग रख सकते हैं। यहाँ मुझे सिंपल चाहिए तो मैं यहाँ पर 6 इंच रख रही हूँ आगे फिटिंग के लिए। अब हमारा ये वाला जो निशान है जो हमने 3 इंच पर लगाया है, हमने इसकी गुलाई करनी है। अगर यानी कि आप बिगनर्स हैं तो आप ऊपर से यहाँ 3 इंच पे या 3.5 इंच पे निशान लगा लें, 3 इंच पे लगा लें। जब 3 इंच हमने यहाँ से लगाया ना, 3 इंच यहाँ से लगा लें और हम इसकी गुलाई कर लेंगे। हल्की सी कर्व देनी है हमने यहाँ पर। और ये जो हमारा ये वाला निशान है और हमारा ये वाला निशान है, यहाँ पे हम अपनी मार्किंग कर लेंगे। इस निशान से इस निशान तक हमने इसको मार्क कर लेना। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमारे हैं स्लीव, हमने जो इसके अपने स्लीव को हमने इस तरह रखना है हमने सामने। ये हमारी उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। सीधी साइड जो है हमारी उसको रख लें आप, या उल्टी साइड को आमने सामने रख के इस तरह जो हमारी गहराई की आर्म होल की कटिंग होती है उसको हम कर देंगे। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे स्लीव की फिटिंग वगैरह सही आती है और कोई झोल भी नहीं आता। इस तरह हमने थोड़ी सी शेप दे लेनी है यहाँ तक, जो हमारे 3 इंच मैक्सिमम आ रहा है निशान उसके तक, यहाँ तक हम कर लेंगे। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छे तरीके से आपको समझ लग गई होगी कि स्लीव की कटिंग किस तरह करनी है और किस तरह इसकी मेजरमेंट करनी है। मुझे दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियोज़ का मिल जाए। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।